Whoa! Yay! Mom, Dad, thank you so much. ये है special burger. आराम से खाइए. शिशि, ये तुम्हारे लिए. इसमें प्याज नहीं है. डेल ने मुझे बताया कि तुम्हें प्याज पसंद नहीं. थैंक यू. इस बर्गर शॉप में कई लोगों की बहुत सारी यादें हैं. यहाँ बैठकर ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से जवान हो गई हूँ. मिस्टर मिसेस वोंग, डेल और जाओशॉन दोनों बहुत अमेजिंग हैं. इन दोनों ने इस शॉप को ठीक वैसे ही बनाया जैसे हमारे कॉलेज के जमाने में हुआ करता था. वैसे चेंग जी, तुम खुश तो हो ना, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स की भी ऐसी ही शॉप थी. तुम ठीक तो हो? ये सब डेल की वजह से हुआ है. थैंक यू सो मच डेल. पहले तुम यहाँ आए हो कि नहीं? मतलब शिशि को डेट पर लेकर तो. मिस्टर वोंग, आज मेरे बारे में बात मत कीजिए. आज तो डेल का स्पेशल दिन है ना. मुझे लगता है वो आप लोगों से कुछ कहना चाहता है. मुझे लगता है शियुएन आपसे कुछ कहना चाहता है. और हाँ, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों को हमारा रेस्टोरेंट पसंद आया. और मैं खास शीशी को शुक्रिया कहना चाहूंगा, उसकी वजह से यहाँ की ये पेंटिंग्स लगी है. सो थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पर ये पेंटिंग्स पेंट करके देने के लिए. थैंक यू मेरे लिए इस शॉप का मेन्यू डिसाइड करने के लिए और एक्सपोर्ट मैप बनाने के लिए. हाल ही में सारी चीजें हुई हैं. मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे दोबारा नई जिंदगी मिल गई. मैं ये भी कहना चाहूंगा कि काश मैं वैसा इंसान बन पाता जो आप लोग मुझसे चाहते हैं, पर मुझे नहीं लगता मैं वैसा बन पाऊंगा. और मुझे लगता है कि हम सबको भूलना नहीं चाहिए कि हम सबके पास एक खास शख्स होता है और आप सभी मेरे लिए खास हैं. आई लव यू ऑल. ले भाई, आई लव यू टू. मुझे वॉरियर युआन से नफरत है. शाशा, क्या कहा तुमने? हाँ, तुम्हें भूख लगी है क्या? कुछ खाना चाहोगी? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं? थैंक यू वोंगशियन. शिशि, तुम्हें क्या हो गया? तुमने रात भर मुझसे एक शब्द नहीं कहा. हम दोनों ने वादा किया था कि हम शादी करने के बाद एक दूसरे से ऑनेस्ट रहेंगे. आखिर बात क्या है, मुझे बताओ तो. ऑनेस्ट रहेंगे तो तुम रहो ना. मैं पूरी रात तुम्हारे बगल में था. तुम्हें हुआ क्या है? मैं आज रात की बात नहीं कर रही हूं, मैं फ्यूचर की बात कर रही हूं. मैं बहुत क्यूरियस हूं. अगर मैंने वो अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो तुम मुझे कब बताते? तुमने क्या देखा था? तुम आखिर किसकी बात कर रही हो? डोंग यूनी का टेक्स्ट आया था, मैंने पढ़ा. सीनियर और मैं स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे. तुम इस बारे में जानती हो ना? पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम क्विट कर रहे हो. तुमने रिजाइन क्यों किया? देखो शिशि, मैं इस बारे में तुम्हें बताने वाला था पर मुझे मौका ही नहीं मिला. तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था. तुम्हारी सीनियर को भी पता था कि तुम क्या करने वाले हो पर मुझे नहीं. हम तो शादी करने वाले हैं ना. तुम्हारी सीनियर तुम्हें मुझसे बेहतर जानती है. क्या तुम्हें याद दिलाऊं? तुम्हारी वजह से मैंने मेरी जिंदगी की कई सारी अपॉर्चुनिटीज गवा दी है. तुम्हें लगता है तुम सिर्फ अकेली हो जिसे जिंदगी में कुछ करना है? जब से हमने शादी करने का तय किया है हम झगड़ रहे हैं, रोज झगड़ रहे हैं. हम अभी भी लड़ रहे हैं. मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था. शादी करना किसी के प्यार की गारंटी नहीं होती है. शादी का फैसला लेने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था. जैसे ही हमने शादी के बारे में सोचा सब कुछ बदल गया. हम एक दूसरे के साथ पहले की तरह क्यों नहीं रह सकते? एक साथ एक ही घर में शादी किए बिना रह सकते हैं? क्या तुम्हें इसे शादी का नाम देना जरूरी है? अब तो तुम्हारे सपने पूरे हो गए ना. अब तो तुम खुश हो ना. तुम जो चाहती थी वो हो गया, तो अब प्रॉब्लम क्या है? वोंगशियन, तुम
तुमने अभी अभी जो कुछ भी कहा मुझे मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस सब बातों का तुम्हारी रेजिग्नेशन से क्या लेना देना? जब मुझे पता चला कि तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो, मुझे वाकई में लगा कि अब मेरी जिंदगी में खुशियां आएंगी। पर समझ में नहीं आ रहा, मैं दिन ब दिन और दुखी होती जा रही हूं। जैसा कि तुमने कहा, कई चीजें बदल गई हैं, सब पहले जैसा नहीं है। मुझे तो सबसे बड़ा बदलाव ये लग रहा है कि मैं खुद को ही भूल गई हूं। शियन, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं नहीं जानता मैंने अपना कंट्रोल कैसे खो दिया। ये लो। आजकल तुम्हारी कंपनी में क्या चल रहा है? काम है, बिजी चल रहा है। बॉस हमेशा काम को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं और वर्कलोड भी काफी बढ़ गया है। बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है। एक बात बताओ, तुमने अचानक ये क्यों पूछ लिया? आजकल तुम बिजी रहते हो इसलिए पूछ रही थी कंपनी कैसे चल रही है। कंपनी तो ठीक है पर मैं काफी बिजी हो गया हूं। हाँ, मुझे अब काम पर जाना होगा। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूं। चलो बाय, मुझे जाना होगा। टेक केयर। अपना ख्याल रखना।
हाय। हे, तुम बिल्कुल समय पर आए। आज का दिन काफी बिजी था। अभी हमारा लास्ट कस्टमर गया है। आज हमारे स्टोर में काफी भीड़ थी। सबको बर्गर्स बहुत पसंद आ रहे हैं। क्या बात है, थैंक यू। तुम इस रेस्टोरेंट के लिए बहुत मेहनत कर रही हो, वाकई में। तुमने कुछ खाया नहीं, इसके लिए तुम्हारा फेवरेट चिकन खा लो। तुम्हें कैसे पता मुझे चिकन पसंद है? ओपनिंग डे के दिन तुम अपनी मोम से बात कर रही थी, तब मुझे पता चला। यार तुम अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छे। मैं मेरी प्रेशियस पार्टनर के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। देखो, तुम्हें शॉप के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है? अब जब मैं शॉप संभाल रही हूँ, पेरेंट्स ये सब देखकर बहुत प्राउड फील करते होंगे। उन्होंने जिंदगी भर बर्गर्स बनाए ताकि वो कस्टमर्स को खुश कर पाए और उन्हें एक नई एनर्जी दे पाए। आज मैं उनकी सोच आगे लेकर जा रही हूँ। हैमबर्गर्स बनाना मेरे लिए कोई मामूली काम नहीं था। पता है, मुझे ना ये सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मतलब? क्लैपिंग बर्गर सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स का है। मैंने मेरा मकसद पूरा किया, अब मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है। तुम्हें बस एक चीज का ध्यान रखना है, तुम्हें अपने काम पर फोकस करना है। तुम्हारी दुनिया में? इसे समझाना मुश्किल है। वैसे कल तुमने ऑफ लिया है ना? हाँ। ओके, तो कल हम यहाँ खाना खाएंगे और साथ में सेलिब्रेट करेंगे। क्या ये कोई डेट तो नहीं है ना? मैं सिर्फ खाना खाना चाहता हूँ, तुम क्या सोच रही हो? मैं बोल लेकर आता हूँ। उस कहानी में जो लड़का है वो अपनी माँ को ढूंढना चाहता है, जस्ट लाइक रोड मूवी और ट्रैवल मूवी की तरह। मुझे और डायरेक्टर जिया को प्रॉब्लम तो नहीं है, पर डायरेक्टर जिया और मैं उम्मीद करते हैं कि ये एक छोटा लड़का अपनी माँ को ढूंढने के लिए कोई ना कोई तो एक्शन ले, क्योंकि ये कैरेक्टर तो बस अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहा है, जो ठीक नहीं है। क्यों, क्या वो फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रह सकता? मेरा और डायरेक्टर जिया का ये मानना है बस इस मूवी में कमर्शियल कैरेक्टर स्टिक्स होने चाहिए। इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, इस मूवी की एक हैप्पी एंडिंग रहेगी। ऊपर से तुम नए डायरेक्टर हो, इस मूवी को स्पॉन्सर करना डिफिकल्ट हो जाएगा, और अगर ऐसी स्क्रिप्ट रही और जो हम में इन्वेस्ट करते हैं उनका पैसा डूब सकता है। शियोन, एक मूवी बनाने में टीम वर्क लगता है, तुम्हें सबकी बात सुनकर उनकी भी राय लेनी चाहिए, ठीक है? सीनियर, मेरे लिए फिल्मिंग मेरे खुद के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, और टीम के साथ फिल्म बनाना ये कंप्लीटली अलग बात है मेरे लिए। इस वक्त मैं जो सिचुएशन में हूं उसके लिए मैं अपना सब कुछ दांव पे लगा सकता हूं, फिर अगर मूवी फ्लॉप हो गई तो तुम्हारा पैसा नहीं डूबेगा। ओके, अब तो इस बारे में बात हो गई, हम अगली बार बात नहीं करेंगे। जाओ, घर जा सकते हो। मेरा घर जाने का मन नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि शादी करने के फैसले से सब कुछ मेरी जिंदगी में बदल गया है। क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस शादी करने के लायक नहीं हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता दो आजाद लोगों को शादी के बंधन में बांधा जा सकता है।
ऐसा नहीं होता। पहले तो तुमने शादी करने का फैसला लिया, अब उसे फेस करो। तुम्हारी शादी, तुम्हारा करियर, ये दोनों तुम्हारी जिंदगी के इंपॉर्टेंट पहलू है। तुम एक के लिए दूसरे को छोड़ नहीं सकते। प्लीज बैलेंस करना सीख लो। इस बात पर दोबारा सोचना। शादी एक सफर की तरह होती है। वो सफर औरतों के लिए मुश्किल होता है। इस सफर की शुरुआत में अक्सर औरतों को कई बार परिवार के लिए त्याग करने पड़ते हैं, सपनों को छोड़ना पड़ता है, और सफर के अंत में उसे समझ में आता है कि वो खुद के लिए तो जी ही नहीं रही, वो तो बस दूसरों के लिए जी रही है। मैडम अंदर आ जाइए। थैंक यू। आइए इस तरफ। एक्सक्यूज मी, थैंक यू सो मच। हाँ मॉम, पापा इतने सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं उनसे बात करने जाऊं? नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं, अभी उनके पास मत जाओ। मुझे ये वाला। ओके ठीक है, आपको यही चाहिए ना? ठीक है, रुकिए, ये वाला चलेगा आपको? ओके ठीक है, मैं इसे पैक कर देता हूँ, रुकिए। ये लीजिए सर आपका पार्सल। हाँ। आपका शुक्रिया। You're welcome. Bye bye. You're welcome. चलिए सर मिलते हैं। Have a nice day, sir. आइए। आप क्या कह रहे हैं? Yeah. आइए। Please come in. शाशा पीछे हो जाओ। सर क्या टैक्सी खाली है? नहीं। हेलो मिनी, मैं हूं, मैंने वो खरीद लिया है। क्या मैं खुद तुम्हें देने आऊं? क्या कैफे में? ओके ओके ओके, बाद में मिलते हैं। हाँ बाय बाय।
हेलो इस दुनिया के वॉन्गडेल, सॉरी मैंने तुम्हारी कार बेच दी, पर शुक्र है कि तुम्हारी कार की वजह से आज वो बर्गर जॉइंट खुल पाया है। उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ पाओगे कि ओपनिंग डे पर लोग कितने खुश थे। उम्मीद करता हूँ कि सबकी खुशियाँ देखने के बाद तुम्हें मैंने जो फैसला लिया उस पर नाज होगा, अफसोस नहीं। हेलो, हाँ बोलो। आज तुमने टैक्सी सर्विस की अपॉइंटमेंट ली है, क्या तुम्हें और कार चाहिए? मैं फिलहाल तुम्हारे साथ मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, मेरा कुछ और जरूरी काम बाकी है। इसका मतलब तुम वापस नहीं जाना चाहते, तुम यही रहना चाहते हो? मुझे बोर करना बंद करो, मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूं, समझे? एक बार सोच लो। वैसे अब तुम्हारी यहां जिंदगी पहले से बेहतर बन गई है, तुम्हारी बर्गर की शॉप है, तुमने वॉरियर युआन का किरदार भी निभाया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम फिर भी वापस जाना चाहते हो? मैं अपना फैसला बदलना नहीं चाहता, मैं घर जाना चाहता हूं। ठीक है, फिर भी सोच लो। मैं घर जाना चाहता हूं। वेटिंग लिस्ट। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। अरे बेटा, इतने लेट क्यों उठे, काम पर नहीं जाना? नहीं, आज नहीं जाना। शिंजा, तबीयत तो ठीक है? हाँ, कंपनी में काम भी बहुत है, पर एक्चुअली मेरा पर्सनल काम भी बहुत ज्यादा है, वो रेस्टोरेंट का, फिर उसके बाद वीडियोस बनाने। देखो, तुम्हारी तबीयत खराब हो तो मुझे बता सकते हो? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, अब बस खुद का ख्याल रखिए। तुम भी हमारी फिक्र मत करो बेटा, एक बार मेरा काम खत्म हो जाए उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। खुद को देखो तो, तुम कितने बदल गए हो। तुम वीडियो बनाते हो, रेस्टोरेंट चलाते हो, काम भी करते हो, कितना कुछ करते हो बेटा। तुम तुम्हारी जवानी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, मतलब अच्छा चल रहा है। पर क्या तुमने कभी सुना है मिस एरिन क्या कहती है? आजकल के जवान लोग काफी टैलेंटेड हो गए हैं और डेल मेरी बेटी की तरह है जो सब कुछ कर सकता है। मैं भी पूरा घर संभालती हूँ, तो मैं भी तो टैलेंटेड हुई ना? नहीं। हाँ देखो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं डेल की माँ हूँ, साशा की दादी हूँ, मैं किचन में शेफ हूँ, तो कई किरदार निभाती हूँ ना, उस हिसाब से तो मैं कितनी टैलेंटेड हुई। तुम हर बार मुझसे लड़ती क्यों रहती हो? चलो खाओ खाओ चलो। तो मैं झगड़ा कर रही हूँ क्या? मॉम डैड, मॉम मेरी बात, शायद मैं कुछ दिन यहाँ नहीं रहूंगा, मैं घर नहीं आऊंगा, तो आप अपना ख्याल। कोई बात नहीं। तो तुम वापस नहीं आ रहे हो? कोई बात नहीं, काम करो काम करो, ठीक है? तड़ा, अच्छा है। न्यू ईयर थोड़ी है, कुछ और। डेल, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए, खुद के लिए सिर्फ इतना तो कर लो। फिर 9 बजे तुम्हें अपनी असली दुनिया में वापस जाना, उसके बाद तुम इस दुनिया में कभी वापस नहीं आ पाओगे। मैं आ गया हूं। वाओ वाओ, ये सब कितना अच्छा है। हे, कहां तुम? तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो सच में। ये सरप्राइज तुम्हारे लिए प्लान किया है।
ये सब तुमने बनाया है? कितना इंप्रेसिव है। अब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। एक मिनट ना, एक मिनट। पर हम इतना खाना कैसे खत्म करेंगे? क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं खूबसूरत लग रही हूं? हाँ, तुम खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें सरप्राइज अच्छा लगा? सुनो ना, क्या हम पहले खाना खा ले जो तुमने इतनी मेहनत से बनाया है, वरना ठंडा हो जाएगा, है ना? ओके। देखो, ये जो मैप बनाया गया है, इसमें अमेरिका और कनाडा दोनों भी हैं। क्या शिवान ने माफी मांगी है? देखो, एक मर्द होने के नाते मुझे लगता है शिवान का सबसे पहले टेक्स्ट आया, मतलब उसने पहले सरेंडर किया। ये सब छोड़ो, काम की बात करते हैं। हाँ, हम लोग अमेरिका में थे तो वहां हर दो दिन डॉगीज घर में रहते हैं। Cheers. अगर तुम हर रोज ऐसे ही तैयार होगी ना तो हमारा बिजनेस और भी बढ़ जाएगा। मैं बस ओकेजनली ड्रेसअप होती हूँ। किचन में काम करते वक्त हाइजीन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम खुद की तरफ ध्यान दो ना। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो इसका मतलब तुम एक रियल शेफ हो। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे पता तुम ये हैंडल कर लोगी। तुम हमेशा ये कहते हो कि तुम इस शॉप को पूरी तरह मेरे भरोसे छोड़ दोगे। क्या तुम्हारा काम बढ़ गया है या फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं? ऐसा नहीं है। इस टाइम और स्पेस का वॉन्गडेल जल्द ही वापस आ जाएगा। मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहाँ जाने वाले हो? एकदम जेन्युइनली बताना, क्या तुम्हें टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ पता है? मतलब? मेरी बात ध्यान से सुनो। ओके, मैं दूसरे टाइम और स्पेस से यहां आया हूं। तो क्या तुम सच में एलियन हो? मुझे मार्स पर ले चलो ना। मैं हूं वॉन्गडेल, जो दूसरे टाइम और स्पेस से यहां आया है। मैं कोई मार्टियन या कोई एलियन नहीं हूं। फिर इस टाइम और स्पेस के वॉन्गडेल का क्या? वो जल्द ही वापस आ जाएगा। क्या तुम्हें ये भी पता नहीं इस वक्त वो कहां है? तुम्हें कैसे पता कि वो वापस आएगा? अगर तुमने जो कुछ भी कहा वो सच है तो हो सकता है वो डेल मुझे पसंद ना आए। शशांक, मुझे वापस जाना ही होगा। मैं तुमसे कोई भी वादा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कोई खुशियां नहीं दे सकता। उसके अलावा मैं अब तक तुम्हारी अच्छी देखभाल करता आया हूं। मुझे तुम्हारी परवाह है क्योंकि मैं देखो, तुम मेरे लिए मेरी बहन जैसी हो।
कभी जाओशियान को दुखी मत करना। हाँ? मैं क्यों करूंगा? मैं भला उसे दुखी क्यों करूंगा? शायद तुम समझे नहीं, भूल जा। हाँ? मुझे मेरे पैसे वापस करो। उधार नहीं लिए। अपने माँ बाप से मांगो। छोड़ो मुझे, मेरा हाथ। मैंने कहा मेरे पैसे दो। छोड़ो मेरा हाथ। मुझे मेरे पैसे चाहिए। मेरे पैसे दो। छोड़ो मुझे। मैंने कहा पैसे दो। छोड़ो। जाओ, निकलो यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। यहाँ से। शोशन, तुम ठीक हो? हाँ, संभल के, आराम से, आराम से, आराम से। तुम ठीक हो ना? तुम्हारा हाथ ये रखो, मैं मेडिकल किट ले आता हूँ। तुम वापस क्यों आए? तुमने कहा कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो। तुम क्या कर रहे हो वांगशियन? तुम क्या कर रहे हो बताओ? शशि, मुझे लगता है कि हम जिस करंट सिचुएशन में हैं, हमें एक दूसरे से थोड़े दिन अलग रहना चाहिए। मुझे लगता है हम दोनों को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, ताकि हम शांति से अपने बारे में सोच सकें कि क्या हम वाकई एक दूसरे के लिए ठीक हैं, हमें शादी करनी भी चाहिए या नहीं। मुझे इतने आसानी से कैसे छोड़ सकते हो? शशि, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। हमें साथ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम को फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। यह सब कहने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी पड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रही है। मेरे दिल में बहुत बड़ा घाव है शशि। ये घाव मेरी मां ने मुझे खुद दिया है। जब मैं छोटा था वो मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए अब मुझे इस प्रॉब्लम से डील करना है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो घाव कभी भी नहीं भरेगा? जैसा कि तुमने कहा है कि तुम खुद को नहीं देख पा रही हो शशि, मुझे लगता है मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूं। मुझे अच्छी तरह से रियलाइज हो गया कि मेरे प्यार करने की क्षमता खत्म हो गई है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकती हो शशि? मैं खुद को हील करना चाहता हूं, ताकि मैं फिर से प्यार कर सकूं। मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तुम
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी? मैं तुम्हें वक्त क्यों दूं, क्यों इंतजार करूं? मेरी मॉम की बुक में जो लिखा था सब सच था, कि जो लोग प्यार के खातिर खुद के गोल्स को छोड़ देते हैं वो बेवकूफ होते हैं। देखो तुमने वही किया। आई एम सॉरी। मुझसे सॉरी मत कहो और मुझे आई लव यू भी मत कहो। तुम दुखी हो, तुम्हें दर्द होता है, पर तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं, तुम्हारी मदद करूं। तुम्हें इस बात पर यकीन ही नहीं करना है कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? वांग शेन, ये प्यार नहीं है, इसे भागना कहते हैं। क्या ये तुम्हारा प्यार था? मैं जा रहा हूं शशि, जल्द लौटूंगा।